उसके बाद अब उसके मददगार बेलारूस ने भी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के दोस्त लुकाशेंको यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों पर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने चेतावनी दे दी कि अमेरिका और यूरोप के देशों की वजह से ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वो जंग खत्म करने के बजाय उसकी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसके लिए लुकाशेंको अमेरिका पर जमकर भड़के। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो उसकी वजह अमेरिका ही बनेगा, क्योंकि वो रूस को पछाड़ने के लिए यूक्रेन का सहारा ले रहा है और मदद के नाम पर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार भेज रहा है जिससे युद्ध थमने के बजाय बढ़ जाए। लुकाशेंको का ये गुस्सा तब सामने आया जब पुतिन ने कुछ रोज पहले ही ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। और पुतिन के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने अपने परमाणु हथियार किसी दूसरे देश में तैनात करने का फैसला किया, वो भी तब जब यूक्रेन जंग के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश रूस के खिलाफ खड़े हैं और वो युद्ध जीतने के लिए जेलेंस्की की हर मुराद पूरी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की बात कहकर उन्होंने बेहद खतरनाक संकेत भी दे दिए। अब उनके दोस्त लुकाशेंको भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो पश्चिमी देशों को धमका रहे हैं कि उन्होंने अगर जंग से कदम पीछे नहीं खींचे तो परमाणु युद्ध ज्यादा दूर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के फैसले का बचाव भी किया। लुकाशेंको के मुताबिक पश्चिमी देश रूस और बेलारूस दोनों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और उनसे बचने के लिए ही बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात किया जाएगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री की मांग की थी, जिस पर CIC यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने के निर्देश दिए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के खतरनाक सुखोई लड़ाकू विमान को पाने के लिए उसके एक पायलट को खरीदने की कोशिश की। खबर के मुताबिक यूक्रेन के खुफिया विभाग ने रूस के SU-34 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट को एक भारी भरकम रकम देने का लालच दिया ताकि वो हमला करने के बहाने यूक्रेन की सीमा में घुसे और फिर रूस के सबसे घातक सुखोई फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना के हवाले कर दे, क्योंकि रूस के इस लड़ाकू विमान ने जेलेंस्की की सेना की नाक में दम कर दिया। रूस जब चाहता है तब वो SU-34 की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर बमों और रॉकेटों की बारिश कर देता है। खुद यूक्रेन की सेना इस बात को मान रही है कि उसके पास रूस के SU-34 फाइटर जेट की काट नहीं है। एक रोज पहले ही अमेरिकी मीडिया ने यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के हवाले से ऐसा ही दावा किया था। खबर है कि इसी वजह से यूक्रेन ने इससे पार पाने का एक अलग तरीका निकाला और उसने इस फाइटर जेट को उड़ाने वाले रूसी पायलटों के आसपास जाल बिछाना शुरू कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के जासूस ऐसे रूसी पायलटों से संपर्क करने की कोशिश में जुट गए जिन्हें SU-34 से हमले करने के लिए तैनात किया गया था और जो लगातार उड़ान भरकर यूक्रेन में हमले बोल रहे थे। दावा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसे रूसी पायलट को ढूंढ भी लिया। रूस का ये पायलट उस टीम का हिस्सा था जो सुखोई लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर हमले बोलती थी। खबर के मुताबिक यूक्रेन के जासूसों ने उसे इस बात के लिए तैयार किया कि वो हमला बोलने के बहाने SU-34 लेकर यूक्रेन पहुंचे और फिर उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दे, जिसके बाद उस लड़ाकू विमान पर यूक्रेन की सेना कब्जा कर ले। दावा है कि इसके लिए यूक्रेन की तरफ से उस रूसी पायलट को $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ से ज्यादा देने का लालच दिया गया। और खबर के मुताबिक रूस SU-35 फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट इसके लिए तैयार भी हो गया। इतना ही नहीं, वो लड़ाकू विमान से जुड़ी अहम जानकारियां और यूक्रेन के ऊपर हमले की योजनाओं के बारे में भी बताने के लिए तैयार हो गया और इसके लिए भी उसे यूक्रेन से अलग से पैसे मिलने थे। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन इस तरीके से रूस का खतरनाक लड़ाकू विमान हासिल कर पाता, उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी ने उस पायलट का पता लगा लिया जो यूक्रेन तक SU-34 लड़ाकू विमान पहुंचाने वाला था। हालांकि यूक्रेन उस पायलट से फाइटर जेट के बारे में कई अहम जानकारियां निकलवाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके हाथ रूस का घातक SU-34 लड़ाकू विमान नहीं लग सका, जबकि यूक्रेन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि जैसे ही रूसी पायलट SU-34 लेकर उसके इलाके में पहुंचेगा वो विमान समेत उसे सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इधर पाकिस्तान के कराची शहर में बीरबल जिनानी नाम के हिंदू डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक महिला डॉक्टर घायल हो गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उनकी कार हमले के बाद एक दीवार से टकराती हुई नजर आई। पुलिस ने इस हमले को टारगेट किलिंग बताया। डॉक्टर बीरबल जिनानी कराची के मशहूर डॉक्टरों में एक थे। वो कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे। वहीं पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में बैठे थे।
तभी दो लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। इस घटना में जिनकी मौत हुई उनका नाम दयाल सिंह बताया गया। उधर दुनिया भर के परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया कि ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के इस परमाणु प्लांट पर रूस ने पिछले साल मई में ही कब्जा कर लिया था और तभी से ज़ेलेंस्की की फौज ज़ापोरिज़्या से पुतिन की सेना को खदेड़ने में जुटी है। लेकिन कई महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट पर दोबारा कब्जा नहीं कर सकी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ापोरिज़्या से रूसी सैनिकों को भगाने के लिए ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो प्लांट के बाहर मौजूद रूसी सेना पर ताकतवर हमला बोलेंगे। इसी वजह से परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था आईएईए की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। यूक्रेन की परेशानी यह भी है कि जंग की वजह से उसके कई पावर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट के रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है और इससे रिएक्टरों के पिघलने का खतरा बढ़ गया है। और अगर एक बार वो पिघल गए तो फिर रेडिएशन का ऐसा बम फूटेगा जिससे यूक्रेन में तबाही मच जाएगी। रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा और रेडिएशन के बम से हजारों लोग एक झटके में मौत की नींद सो जाएंगे। इसी वजह से आईएईए की टीम लगातार ज़ापोरिज़्या का दौरा कर रही है। दो रोज पहले भी आईएईए की टीम ने वहां का दौरा किया। रूस के मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े कई लोग ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट की जांच करते दिखाई दिए और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जंग की वजह से परमाणु प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा है। यानी यूएन की संस्था आईएईए ये पता लगाने में जुटी है कि ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट कितना सुरक्षित है। और इस दौरे के बाद आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि सैन्य गतिविधियां तेज होने की वजह से परमाणु प्लांट की हालत बेहद खराब हो चुकी है। The increased military activity, which I was referring to on the basis of the information. यही नहीं, उन्होंने परमाणु प्लांट को बचाने के लिए चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाने की सलाह दी, ताकि परमाणु रिएक्टरों को बमों और मिसाइलों से बचाया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आईएईए के इस प्रस्ताव को यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने यह दावा किया कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन में ऐसी तबाही मचेगी जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी, क्योंकि डर्टी बम कोई आम बम नहीं है बल्कि ये किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है। फटने के वक्त तो ये सिर्फ अपने आसपास के इलाके को ही बर्बाद करता है, लेकिन असली तबाही तो इसके बाद मचती है। बम को खतरनाक बनाने के लिए इसके बारूद में रेडियो एक्टिव पाउडर मिला दिया जाता है और फिर बम के फटने के बाद इसमें भरे रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और फिर कई साल तक लोगों की मौत की वजह बनते हैं। और अब ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने ये दावा किया कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट ज़ापोरिज़्या से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है, जो आगे चलकर हजारों लोगों की मौत की वजह बन सकता है। ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है और उसने वहां यूक्रेन के सैनिकों को घुसने से रोकने के लिए तगड़ी घेराबंदी कर रखी है। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज भी ज़ापोरिज़्या को फिर से हासिल करने के लिए जी जान से जुटी है। परमाणु प्लांट से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ने के लिए यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़्या पर फिर से कब्जा नहीं कर सकी। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द ही ज़ापोरिज़्या पर यूक्रेन का कंट्रोल होगा, लेकिन ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर का कहना है कि जंग की वजह से परमाणु प्लांट के अंदर बम बनाने की चीजें फैली हुई हैं और उनकी सही तरीके से देखरेख नहीं की जा रही है, जिससे उन चीजों की चोरी होने का खतरा बढ़ गया है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में पुतिन ने यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया था और उन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास ज़ेलेंस्की के डर्टी बम वाले प्लान की पूरी जानकारी है। पुतिन का आरोप था कि जंग में नेटो को शामिल करने के लिए यूक्रेन डर्टी बम को अपने ही देश में फोड़ने की तैयारी में था, क्योंकि ऐसा करते ही अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश जंग में कूद पड़ते। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुतिन के इन दावों की जांच की थी, जिसमें यूक्रेन के पास डर्टी बम होने के कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने भी रूस पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगा दिया था।